नमस्ते फ्रेंड्स, आपका टिकनो से सुता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही प्यारा थाईपोस डिजाइन लेकर के आई हूँ। बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, बनाने में भी आसान है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाने में भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर के पहला वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन ले लेंगे और इसमें डालते हुए पफ बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा खींचेंगे धागे को, इसी में पफ बनाएंगे। से पकड़ते हुए 1 2 चेन लेंगे, 2 3 4 टू चेन, 1 2 3 4 लूप लेकर के 1 पफ बनाएंगे, लॉक कर देंगे, 2 चेन लेंगे। इसी तरह से इसमें 6 पफ बनाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से ये 6 पफ बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर 2 चेन लेकर के अरे पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसमें आप कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे, 1 चेन लेंगे और इसी के बीच में पफ बनाएंगे। इस तरह से करते हुए 2 चेन लेंगे और सेम इसी में पफ बना देंगे, 2 3 4। टू पफ, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट 2 चेन के गैप में 1 2 चेन लेकर के सेम चेन में 2 पफ बनाएंगे, 3 4। टू चेन लेंगे और नेक्स्ट गैप में पफ बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, सेम इसी पर इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से 2 चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट इस बीच 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन ले लेंगे और थोड़ा सा लंबा खींचते हुए इसमें पफ बनाएंगे, 2 3 4। 1 2 चेन लेंगे, सेम चेन में सेम गैप में डालते हुए एक पफ और बना लेंगे, 2 चेन लेंगे, सेम इसी गैप में एक पफ और बना लेंगे, 3। इस तरह से नेक्स्ट इसमें पफ बनाएंगे।
टू चे टू चे सेम गैप में थ्री पफ। इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट पफ। इसमें इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टू चेन लेकर के पहला वाला पफ में ज्वाइंट कर देंगे सेम। नेक्स्ट में सिंगल कुशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे, इसमें पफ बनाएंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री चेन लेंगे, टू थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट इसमें इस तरह से वन टू थ्री चेन, नेक्स्ट इसमें टू थ्री चेन सेम गैप में वन थ्री चेन सेम गैप में एक पफ और बना देंगे। टू थ्री चेन नेक्स्ट में वन पफ थ्री फोर वन टू थ्री चेन लेकर के नेक्स्ट इसमें पफ बनाएंगे। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ थ्री चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे, ऐसे में पफ बनाएंगे। टू टू थ्री सेम गैप में थ्री पफ बनाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट में वन पफ नेक्स्ट में वन पफ
से। नेक्स्ट इस गैप में वन थ्री चेन ले करके वन लूप, इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों में वन वन पफ बनाएंगे, इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से इस तरह से वन टू थ्री चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे, सेम इसी में पफ बनाएंगे। सेम इसी में एक पफ और बना देंगे। सेम इसी में एक पफ और बना, टोटल इसमें तीन पफ बनाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट में वन पफ, नेक्स्ट में वन पफ, नेक्स्ट में वन पफ। वन टू थ्री चेन लेंगे, वन नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर थ्री चेन लेकर के पहला वाला पफ में ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे, इसमें थ्री पफ इसमें बन गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट में वन पफ, नेक्स्ट में वन पफ, नेक्स्ट में वन पफ, थ्री
फ्रेंड्स इसी तरह से एक लाइन और बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 ए सिंगल पफ है, नेक्स्ट राउंड में 5 सिंगल पफ होगा। इसी तरह से बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 3 चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे और इसमें पफ बनाएंगे। 4 लूप 1 पफ। यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे नेक्स्ट। अब इसमें 3 पफ नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पफ में 1 पफ बनाएंगे। वन टू चेन नेक्स्ट पफ में, नेक्स्ट गैप में 1 पफ। टू चेन वन टू चेन नेक्स्ट पफ में, नेक्स्ट गैप में 1 पफ। टू चेन ले करके नेक्स्ट गैप में 1 पफ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 पफ ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद ये 2 चेन लेकर के इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से लाते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे धागे को, इस तरह से लेते हुए 1 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट इस पफ में डालते हुए 1 पफ बना लेंगे। 2 3 4 टू चेन लेंगे नेक्स्ट पफ में 1 पफ। टू चेन टू चेन इस तरह से यहाँ तक बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 पफ और बना के दिखा रहे हैं। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 पफ बन गया। 1 चेन ले लेंगे और इस तरह लंबा खींचते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, क्रोशिया से धागे को खींचेंगे और इस धागे में डालते हुए इस तरह से नेक्स्ट इस में पफ बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरे राउंड को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस पफ में पफ बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड में रिपीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट राउंड में यह 4 पफ बना के तैयार किया। 1 2 3 4 पफ, 2 चेन लेकर के नेक्स्ट इसमें 1 पफ बना लेंगे। 2 चेन लेकर के नेक्स्ट इसमें
इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 पफ हुआ फ्रेंड्स। अब इसमें वन चेन ले करके इस तरह से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह से डालते हुए वन या टू चेन बन के तैयार हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर जो ये है इसमें डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, वन चेन लेंगे और इस तरह से डालते हुए नेक्स्ट इसमें पफ बनाएंगे। नेक्स्ट इस तरह से यह बन कर तैयार हो गया राउंड, वन चेन लेकर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया वन चेन और इस तरह से लंबा खींचेंगे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट इस बीच में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे नेक्स्ट इस तरह से नेक्स्ट इसमें पफ बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे 5 पफ है, नेक्स्ट दो राउंड और बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे यह 1 2 3 4 5 6 पफ है, नेक्स्ट में 5 पफ, उसके नेक्स्ट में 4 पफ, तो इसी तरह से आप पूरा राउंड बना करके दिखा रहे हैं। और 2 चेन बना करके अगर जो 2 लूप बनाएंगे उसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट जो बनाएंगे उसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो दोनों बना करके इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर 2 पफ बन के तैयार हुआ है, यहाँ तक आपको दिखाए थे 5 पफ तक, यहाँ पर लास्ट में आपको ये 2 पफ बना के दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। टू चेन लेंगे नेक्स्ट में 1 पफ बनाएंगे, अब इस तरह से 1 चेन लेंगे यहाँ पर और इस तरह से खींचते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट एक बार और थोड़ा खींचेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
नेक्स्ट इसमें इस तरह से डालते हुए फिर थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। नेक्स्ट इसमें सिंगल कुशिया बना देंगे। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फर्स्ट पफ में ये राउंड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स पूरा। अब यहाँ पर इसके बीच में सिंगल कुशिया बना देंगे, वन चेन ले लेंगे और इसी में एक वन पफ बनाएंगे। वन चेन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से खींचते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। यहाँ पर वन चेन लेंगे और इसमें खींचते हुए इसमें पफ बना देंगे। वन टू चेन ले करके इसमें सिंगल कुशिया बना देंगे इस तरह से। यहाँ पर लंबा थोड़ा खींचेंगे इस तरह से बना करके और यहाँ पर सिंगल कुशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से लंबा खींचेंगे इसी में वन पफ बनाएंगे। लॉक कर देंगे। यहाँ पर वन टू चेन लेंगे इसमें सिंगल कुशिया बना देंगे। इस तरह से लंबा खींचेंगे। नेक्स्ट इसमें सिंगल कुशिया बना देंगे। इस तरह से लंबा खींचेंगे। फिर यहाँ वन टू चेन लेंगे यहाँ पर पफ बना देंगे। वन टू चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया वन चेन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से इस पूरे राउंड में झालर बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अगर ये डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।